प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक नई क्लास में डिजिटल लर्निंग के साथ। तो चलिए हम अपनी सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी कि कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत। कंप्यूटर देखने में आपने देखा भी होगा इस तरह का, ना, 9th और 10th में पढ़ा हुआ है आपने कंप्यूटर। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इस तरह का कंप्यूटर आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ आती है। तो आप ये 9th और 10th में भी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ आती है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी, 0 एंड 1। लेकिन ये 0 एंड 1 आते कहाँ से है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 0 और 1 आते हैं हमारी बिजली, हमारी बिजली ही है, वहां से ही बनते हैं ये 0 और 1, ठीक है। आपने देखे होंगे ना इस तरह के, यहाँ पे तो लगाते हैं हम, चाहे कंप्यूटर हो चाहे टीवी हो, है ना। ये 2 पोर्ट्स बने होते हैं, इनमें एक पोर्ट होता है नेगेटिव और दूसरे वाला होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब जो कंप्यूटर है इनको देखो कैसे, ये जो नेगेटिव होता है इसको ये 0 मान के चलता है और पॉजिटिव को 1 मान के चलता है। तो यही वो मशीन लैंग्वेज है जिसको हमारा कंप्यूटर समझता है, ठीक है। यही है वो बाइनरी, 0 एंड 1। फिर इस बॉक्स के अंदर क्या लगा होता है, इसको बोलते क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसके अंदर लगा होता है प्रोसेसर। अब बाद में प्रोसेसर का काम होता है इस 0 और 1 को पिक्चर्स में और शब्दों में बदलने का, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि ये मशीन लैंग्वेज कहाँ से आती है, क्या होती है और कैसे ये शब्दों और पिक्चरों में बदल जाती है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में जितने लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, मतलब कि उतने लोग जो है उससे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं, है ना। कंप्यूटर बहुत कम लोग यूज करते हैं, हालांकि मोबाइल फोन ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो चलो मैं आपको मोबाइल और कंप्यूटर का कंपैरिजन करके बताता हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है और क्या इसमें समानता है, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्यूटर, ठीक है, और ये है हमारा मोबाइल फोन। ये आपने सब नहीं देखा होगा, ठीक है। अगर कंप्यूटर नहीं देखा होगा तो फोन तो देखा ही होगा, ठीक है। और कंप्यूटर में ये हमारी डिस्प्ले यूनिट, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये इनपुट यूनिट, ये दोनों, ठीक है, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है और क्या क्या इनमें समानता है। सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कंप्यूटर में हमारे कीबोर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है, और मोबाइल फोन में भी स्क्रीन कीपैड होता है, ठीक है, स्क्रीन कीपैड ही होता है ना, इसपे स्क्रीन ही कीपैड आता है। जैसे टैप करते हैं कॉलिंग के लिए तो स्क्रीन ही कीपैड बनता है इसके ऊपर टाइपिंग के लिए, क्योंकि ये दोनों में चीजें सेम है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे आता है माउस। कंप्यूटर में तो माउस लगा होता है और इसमें भी स्क्रीन टच माउस होता है, करते हैं ना हम अपनी फिंगर्स मूव करते हैं आइकन्स के ऊपर, जिस पे टैप करना और वो चल पड़ती है। सेम वैसे ही कंप्यूटर में माउस का काम है, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो चीज चल पड़ती है, ठीक है। यानी कि ये दोनों चीजें भी दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। अब तीसरे पे आता है स्क्रीन डिस्प्ले। अब कंप्यूटर में ये है स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है, जिसपे हम पिक्चर्स वीडियोस वगैरह देखते हैं, और मोबाइल फोन में भी सेम वैसे ही स्क्रीन डिस्प्ले है, ठीक है। यानी कि ये तीनों चीजें दोनों में सेम है। अब चौथे पे आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का काम होता है हमारे डेटा को स्टोर करने का। हम जो पिक्चर्स फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करते हैं ना, तो कंप्यूटर में इन सारी फाइल्स और चीजें, इन सारी की सारी फाइल्स को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर। और फोन में भी मेमोरी कार्ड होता है या तो फोन की इंटरनल मेमोरी होती है। यानी कि ये भी दोनों चीजें सेम है, इनमें मेमोरी डाटा को सेव करने के लिए, डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, ये चार चीजें जो है दोनों में सेम ही है। अब चलते हैं पांचवी चीज पे। पांचवी चीज कंप्यूटर में होते हैं रैम, रोम एंड प्रोसेसर, ठीक है। अब रैम, रोम और प्रोसेसर, ये वाले कॉन्सेप्ट तो आपने 9th और 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी
और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम का काम होता है जितने भी कंप्यूटर के काम हो रहे होते हैं हमारे टेम्परेरी, वो सारे होते हैं रैम के अंदर, और रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी, और प्रोसेसर जो होता है वो डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर में भी ये तीनों चीजें यहाँ पे सेम है। अब फोन में भी देखते हैं, फोन में भी रैम और रोम और प्रोसेसर होता है क्योंकि सेम ही काम करता है, यानी कि ये पांचों की पांचों चीजें दोनों में सेम ही है। ठीक है, फर्क किसमें है, सिर्फ साइज में है ना। चलो अब देखते हैं इसमें छठी चीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप सॉफ्टवेयर। देखो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आया, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर चलते हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, इनके एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को रन करता है, चलाता है। सेम फोन के अंदर भी वैसे ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डलता है सबसे पहले इसके अंदर, और बाद में इसके अंदर छोटी छोटी ये देखो एप्स चलती हैं। ठीक है, पहले के डलता है लेकिन इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इन छोटी छोटी सी एप्स को रन करता है यानी कि चलाता है। ठीक है, यानी कि ये छठी चीज भी सेम ही है दोनों में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखो इसमें होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें डलती है विंडो। ठीक है, और फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है लेकिन उसका नाम है एंड्रॉयड। जो बड़े सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये देखो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होती है विंडोज, लिनक्स भी होता है एक, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन विंडोज ही समझो आप अभी। और फोन में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है एंड्रॉयड। ठीक है, यानी कि दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम डलते हैं पहले छोटी छोटी सी एप्स को चलाने के लिए, छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। अब देखो नेक्स्ट है इसमें यूपीएस बैटरी। देखो लाइट चली जाती है ना तो कंप्यूटर को चलाने के लिए और बंद करने के लिए होती है इसके अंदर, इसके साथ लगती है यूपीएस बैटरी। यूपीएस को बोलते हैं अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, बिना विरोध के बिजली देना कंप्यूटर को। ठीक है, लेकिन इसका बैकअप जो होता है कंप्यूटर में बहुत कम होता है, आधा या पौना घंटा चलती है ये बैटरी। ठीक है, लेकिन फोन में भी क्या डलती है, बैटरी, फोन के अंदर भी बैटरी होती है तभी तो चला चला रहता है ये लंबे टाइम तक, लेकिन इसका बैटरी बैकअप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 1 दिन 2 दिन लगातार यूज करें तो वैसे ही 3-4 घंटे में खत्म हो जाती है बैटरी, लेकिन इसका बैटरी बैकअप जो है फोन का ज्यादा होता है क्योंकि छोटी डिवाइस है, छोटे पुर्जे हैं, बिजली जो है कम खपत करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं। तो ये थे हमारे कंप्यूटर की कुछ एक बेसिक चीजें, जिनको नहीं थी क्लियर उनको क्लियर हो गई होगी, यानी कि एक तरह से हमारा रिविजन हो गया। अब आपको डॉट भी नहीं रहा होगा कि फोन और कंप्यूटर में कोई ज्यादा डिफरेंस है, काम दोनों में हम सेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जो हम काम करते हैं वो हमारे कंपनी के ऑफिस के सारे काम चलते हैं, फोन के ऊपर हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो काम हम कंप्यूटर से करते हैं वो मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। 9th और 10th में भी पढ़ी होगी आपने डेफिनेशन, है ना। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाला यंत्र है, विच टेक्स डाटा एज इनपुट, जो डाटा को इनपुट के तौर पर लेता है। ठीक है, प्रोसेस इट, उसको प्रोसेस करता है, एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और उसको अर्थपूर्ण जानकारी में परिवर्तित कर देता है एज आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा लेती है एज इनपुट, डाटा को इनपुट के तौर पे लेती है, फिर उस डाटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है, उसके ऊपर क्रिया करती है, एंड कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब बदल देना, परिवर्तित कर देना इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण जानकारी में एज आउटपुट, एक आउटपुट के तौर पर। ठीक है, लेती डाटा है इनपुट और जब प्रोसेस कर देती है तो वो क्या बन जाती है, हमारी इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट। करती किसके साथ है, विद इट्स फिजिकल कंपोनेंट्स, उसके साथ क्या लगे होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, फिजिकल उपकरण लगे होते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस प्रोसेसर और कुछ लगा होता है काम को करने के लिए, पुर्जे लगे होते हैं। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट तब बोल रहे हैं क्योंकि उनको छूकर हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखो जैसे यहाँ पे नीचे डायग्राम दिखाया हुआ ना, हम क्या करते हैं, इनपुट की जाती है प्रोसेसर के अंदर, वहाँ पे होती है ये प्रोसेस, फिर उसके बाद आती है हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही काफी है, कल फिर हम मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय हिमाचल।